लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र व निष्पक्ष करवाने के उद्देश्य से सिरमौर जिला में एक पहल की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी की इस पहल के तहत उड़न दस्ता वाहनों और अन्य निगरानी टीमों की गाड़ियों को जीपीएस सिस्टम से जोड़ा जा रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी ललित जैन ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य वाहनों की आवाजाही पर नजर रखना है। उड़न दस्ते हैं और ईवीएम्स को कैरी करने वाले व्हीकल हैं, सबके अंदर जीपीएस लगेगा ताकि हम उनकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर सकें ऑनलाइन। यहाँ पर बैठे हुए कंप्यूटर में हमें पता लग जाएगा कौन व्यक्ति कहाँ पे घूम रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार कर्मचारी अपनी मर्जी से चुनावी ड्यूटी नहीं लगा पाएंगे, बल्कि चुनाव आयोग ने डाइस नाम का एक विशेष सिस्टम तैयार किया है जो रेंडोमाइजेशन सिस्टम के जरिए चुनाव में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाएगा। ललित जैन ने कहा कि कंप्यूटर द्वारा बताई गई जगह पर ही कर्मचारियों को ड्यूटी पर जाना होगा। डाइस नाम का सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर सबके नाम डाल दिए जाएंगे और एक लॉटरी से कंप्यूटर उनकी ड्यूटी लगा देगा। आदर्श चुनाव आचार संहिता से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करवाने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में विशेष प्रकोष्ठ भी स्थापित किया गया है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। डीडी न्यूज़ के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।